सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार आदाब। मैं सौरभ जाडू हारमनी इंडिया की जानिब से आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिन्होंने न सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि पूरे विश्व भर में अपना एक अलग नाम मकाम और पहचान कायम की है। द मैन विद द गोल्डन वॉइस स्वर्गीय श्री विजय मल्ला जी। जो चाहत की अंगनाई में सागर जैसी गहराई में साथ चले जो हमराही छोड़ गए तन्हाई में। मल्ला साहब को गाने का शौक बचपन से हुआ और ये शौक उनको उनकी माताजी से मिला। उनकी माताजी जो कि उन्हें अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाया करती थी और महज 5 साल की उम्र से मल्ला साहब ने गाना गाना शुरू किया। उसके बाद मल्ला साहब ने कई अपनी प्रस्तुतियां स्कूल से लेकर कॉलेज तक देते गए और आगे बढ़ते रहे। राबक्षितम सर परवरदिगारो राबक्षितम सर परवरदिगारो क्यों हुआ त्यों यार मरने से क्यों हुआ त्यों यार मरने। हनबो आयस देन क्यों बरियो वेन कोई रंग बो खास बबरे। मल्ला साहब की क्लासिकल म्यूजिक की तालीम 10 साल से शुरू हुई और वो कश्मीर में प्रेम संगीत भवन में जाया करते थे। उन्हें पंडित जगन्नाथ शिवपुरी जिन्हें द संगीत मार्तंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था उनसे सीखने का शर्फ हासिल हुआ। उनके पिताजी से भी उनको काफी एनकरेजमेंट मिलता था जो कि खुद एक बहुत ही गुणी ज्ञानी और अच्छे फनकार थे। राग रागिनियों की बेसिक तालीम हासिल करने के बाद मल्ला साहब के टीचर्स ने उनके पिताजी को एक अच्छे उस्ताद के पास सीखने की सलाह दी। मल्ला साहब को गजल गायकी का खूब शौक था और उन्हीं दिनों उस्ताद राहत अली खान साहब का कश्मीर में आना जाना रहता था और उन्होंने आगे उनसे सीखना शुरू किया। मल्ला साहब ने कश्मीर में रहते हुए पंडित ब्रज कृष्ण शायर साहब से और पंडित विष्णु पुरंधर जो कि गजल गाते थे उनसे भी सीखना शुरू किया। और फिर क्या, उसके बाद दूरदर्शन रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में कई स्टेजेस में उनकी प्रस्तुतियां होने लगी और रिकॉर्डिंग्स होने लगी। मुझे मेहदी हसन साहब बहुत पसंद हैं और मुझे ये बड़ी खुशनसीबी मेरी कहिए या अल्लाह का करम है कि मैं एक वाहिद शख्स हूँ जम्मू कश्मीर में जिसने पूरी रात मेहदी हसन साहब को गजल सुनाई है होटल ब्रॉडवे में कश्मीर में। उन्होंने बोला भाई विजय मल्ला को बुलाइए, हमने सुना बहुत अच्छा गाते। जब मैं आया उनके पास पसीना पसीना आया तो मैंने उनको कहा साहब आपके सामने मैं क्या गजल गाऊं, मैं तो आप ही को गाता रहता हूं। कहते कोई बात नहीं सुनाऊं। वो इतने मुतासिर हुए कि सारी रात गजल सुनते रहे और चूमते रहे। यूं तो मल्ला साहब ऑल इंडिया रेडियो की अप्रूव्ड वॉइस थे मगर उन्हें अपनी गायकी में कुछ कमी महसूस होती थी। वह संतूर मैस्त्रो म्यूजिक कंपोजर पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी थे जिनसे उन्हें बारीकियां सीखने का मौका मिला और उसके बाद देश विदेश में उन्होंने कई प्रस्तुतियां भी दी। साड़ छड़िया दवाइयां दे साड़ छड़िया इत्थे चलना नहीं कोई वस तेरा ओ इत्थे चलना नहीं कोई वस तेरा जुदाइयां मैनू मार छड़िया मार छड़िया जुदाइयां मैनू। मल्ला साहब ने एज अ प्लेबैक सिंगर कई म्यूजिकल ऑपराज में अपनी आवाज दी है और ऑल इंडिया रेडियो
दूरदर्शन के शामे गजल प्रोग्राम में कई यादगार प्रस्तुतियां भी दी हैं। मैं माशोक हाय विना पार बवंद हर जालती ये मैं माशोक हाय विना पार बवंद हर जालती ये मैनूनम दीनो ईमान बवंद हर जालती। मल्ला साहब देश विदेश के कई गजल फनकार जैसे अनवर, पिनाज मसानी, अनूप जलोटा, मनहर उदास, पंकज उदास, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, रविंद्र जैन जैसे कई फनकारों के साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के हादिल अजीज गुलूकार विजय मल्ला आज हमारे दरमियान नहीं, कल जम्मू में दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए। उनके इस तरह चले जाने से रियासत की फनकार बरादरी, खास तौर से वादी कश्मीर के फनकार जो विजय मल्ला की फनकाराना सलाहियतों, उनकी काबिलियत और मौसीकी के लिए उनकी खिदमात के दिलदारा भी हैं, आज उन्हें अपने दरमियान न पाकर गहरे रंजो गम में हैं। फनो सकाफत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों का विजय मल्ला के घर पर तांता बंधा रहा ताकि अपने महबूब गुलकार के आखिरी दीदार कर सके और उन्हें खराज अकीदत पेश कर सके। न्यू प्लॉट जम्मू में वाकई उनकी राजगाह पर बुध की शाम से ही ताजियत करने वालों की भीड़ लगी रही। और आइए नाज़रीन एक नजर डालते हैं विजय मल्ला की कुछ सुरीली यादों पर। उसने मेरे कश्मीर को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं, बरसगीर में अपना नाम रोशन किया है और हमारी ऋषि भूमि का नाम रोशन मशहूर किया है। हर एक जबान के गीत गाकर उन्होंने इतने ही बचपन में ही छोटे ही मैं बचपन ही कहूँगा उन्हें इतने छोटे वो हमसे जुदा हो गए जो एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन वो जुदा कभी नहीं होंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं और जिंदा ही रखेंगे। उनके तवाहकीन के लिए, नए नए गुलकारों के लिए, कलाकारों के लिए उनका जो उनकी जो देन है वो उनके लिए एक रास्ता है। ऐसा कलाकार हमारे साथ हमेशा हमेशा जिंदा रहे। आवाज़ रुक जाती है जब उनके बारे में पास्टर्स पर बोलते हैं। सबसे पहले मैं उनको श्रीनगर में मिला था, मेरे एक दोस्त है खेविंदर गंजू जो आजकल बॉम्बे में है, उनके बहुत करीबी थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा चल यार उनके घर चलते हैं, तो हम उनके घर चले गए तो उनके ऊपर डब पे बैठ के उन्होंने हारमोनियम पकड़ा और वहाँ पे बैठ के हमने पूरी मुझे लगता है 1-2 बजे रात तक, ये 90 से पहले की बात है, 1-2 बजे रात तक वो गाते रहे और हम सुनते रहे। उसके बाद मेरा उनके साथ नज़दीकी संबंध हो गया। एक पर्सनल एक याद मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं रिज़र्व बैंक में तब जॉब करता था और श्रीनगर में पहुँचे था और वहाँ पे श्रीनगर में एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई, 50 साल रिज़र्व बैंक ने जब पूरे किए तो वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना था पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे जितने भी सेंटर्स थे RBI के, वहाँ पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करने होते थे और मुझे कहा गया कि आप ये श्रीनगर वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। तो मैंने चूँकि अभी हाल ही में विजय मल्ला जी को सुना था तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम
उनका प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो बॉम्बे से हमारे चीफ जनरल मैनेजर आए थे और वो बाकी जगहों पे भी होके आए थे। उनने 10-15 सेंटर्स में उनने वो गोल्डन जुबली के प्रोग्राम्स अटेंड किए थे और मुझे ये कहा गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15-20 मिनट बैठेंगे, उसके ज़्यादा वो बैठेंगे नहीं, इसलिए इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे वो 10-15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वो ख़त्म हो जाए फिर वो चले जाए। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार उनको आने तो दीजिए। तो ब्रॉडवे होटल में एक टॉप फ्लोर पर एक जून डब एक जगह होती थी, बड़ी खूबसूरत एक बैंक्वेट हॉल टाइप था और वहाँ पे हमने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ तो विजय मल्ला जी अकेले सिंगर थे जिन्होंने उस प्रोग्राम में गाना, तो जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वो आधा घंटा भी हो गया, फिर एक घंटा भी हो गया, फिर डेढ़ घंटा भी हो गया, फिर दो घंटे भी हो गए, वो उठे ही नहीं। तो मैंने उनको कहा सर आपको, आप कह रहे थे जाना है, कहता नहीं यार ये प्रोग्राम छोड़ के कैसे जाऊँगा, कहता मैंने हिंदुस्तान में कम से कम 15-20 ऐसे प्रोग्राम गोल्डन जुबली के देखे हैं मगर इतनी खूबसूरत आवाज़ मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं। और वो 3-4 घंटे तक बैठे रहे जब तक वो डिनर वाले बुला बुला के थक गए। उसी शाम को रात को हमारा डिनर था वहीं पर ब्रॉडवे होटल में और वो बहुत लेट हो गया, लगभग 12:30 बजे हम डिनर के लिए उठे और फिर जाके वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उनकी आवाज़ में इतनी कशिश थी कि दुनिया का कोई भी सुनने वाला, और म्यूज़िक में चूंकि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूज़िक अपने आप में एक संपूर्ण लैंग्वेज है, कोई भी जो सुनने वाला हो, जो संगीत को समझने वाला हो, परखने वाला हो, वो उनकी आवाज़ को सुनकर बिना इम्प्रेस हुए और बिना महसूस हुए नहीं रह सकता। हमारी रियासत के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में मारूफ और मशहूर मौसीकी के संगीत के शाहसवार स्वर्गीय विजय कुमार मल्ला जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है क्योंकि उन्होंने इस मौसीकी, खासकर कश्मीरी मौसीकी न बल्कि कश्मीरी मौसीकी के अलावा उर्दू हिंदी तमाम जबानों के मौसीकी को 4 चांद लगा दिए और उन्होंने अपना नाम कमाया। तो ये हमेशा हमेशा हम उनकी जो देन है कश्मीरी शायरी की, कश्मीरी मौसीकी के बारे में, वो हम हमेशा याद किया करेंगे, याद रहेंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि मल्ला जी को स्वर्ग नसीब हो और वो शांति और शांति उनको भगवान प्रदान करें। विजय का जाना काली उसके घर परिवार का तो है ही, एक सदमा है, एक लॉस है, लेकिन परिवार से उनका बहुत बड़ा परिवार था जिसमें पूरा कश्मीर था, जम्मू था और बरसगीर में तक में इनकी आवाज़ गूंजती थी पूरे हिंदुस्तान भर में। और ये किसी मायने में नाम लिए बिना हिंदुस्तान की बहुत बड़ी या पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियतें जो हुई हैं इस फन में उनसे कम तर नहीं थे। ये बच्चों के साथ बच्चे थे, बूढ़ों के साथ बूढ़े थे, ये खाली एक सिंगर ही नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे। पता नहीं कितने गरीबों का घर इन्होंने बसाया है लेकिन खुद खोखले रहे। बस इनकी आवाज हमारी कम्युनिटी के लिए एक आत्मा की तरह रहेगी। वादी कश्मीर के मारूफ गुलूकार मुनीर अहमद मीर विजय मल्ला को खिराज अकीदत कुछ इस अंदाज से दे रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज मुझे बहुत दुख है और हमारी वादी के सभी लोग इस गम में पूरे शरीक हैं, उनके घर वालों के साथ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि खुदा ने उनको इतनी कम उम्र में हमसे जुदा किया। विजय मल्ला ने गजल गुलूकारी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। मोती बरस पड़े। जम्मू कश्मीर में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जिनका सुर का ज्ञान भी हो
और उनकी सुरीली आवाज भी हो। रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन ने विजय मल्ला की जादू भरी आवाज को घर घर पहुंचाया। उनकी आवाज में माँ की लोरी का सा तासुर था। उस गैरत नाहिद की हरतान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज तो देखो। तो विजय मल्ला जो है उसने कश्मीर के वजूद को लोरी का तसव्वुर दिया है। उसकी हर गजल लोरी के स्टाइल में होती थी। सो कश्मीरी वानवा प्रसाद वानवा, और यही आवाज जो है ये हमारे दिलों में हर धड़कन के साथ रहेगी। विजय मल्ला की आवाज, एक दिल धड़कता जाएगा विजय मल्ला की आवाज आती जाएगी। ये आवाज कभी मायव नहीं होगी, कभी भागेगी नहीं, इन फजाओं में इन पहाड़ों में गूंजेगी, हमेशा गूंजेगी। मारूफ टीवी फनकार तारिक जावेद विजय मल्ला के साथ साझे किए हुए लम्हात को याद करके अश्कबार हो जाते हैं, और रिक्कत आमेज आवाज के साथ विजय मल्ला के इस तरह से चले जाने की जज्बाती शिकायत करके गोया अनोखे अंदाज में खराज अकीदत अदा करते हैं। अल्लाह का करना था कि एक माह पहले मेरी उनसे बात हुई, और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा हुजूर आप कश्मीर कब आएंगे, कहा आपकी बार जब भी आऊंगा आपके साथ डिनर करके जाऊंगा, ये आपसे वादा रहा। वादा भी पूरा नहीं किया और वो डिनर भी नहीं पूरा हो सका। विजय मल्ला साहब के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त बस जुबान इतनी ही इजाजत दे रही है, इतना ही कह पा रहा हूं। अल्लाह से दुआगा हूं कि मल्ला साहब जहां भी है उन्हें स्वर्ग नसीब हो। आइए अब हारमोनी इंडिया की तरफ से मल्ला साहब को खराज अकीदत देते हुए मैं उन्हीं के कुछ गीत और गजल आपको सुनाता हूँ। मल्ला साहब की कई गजलें मेरी फेवरेट हैं, मगर ये गजल जो मैं पेश करने वाला हूँ मेरे दिल के बेहद करीब है। ताबिश रोमानी की लिखी ये गजल एल्बम जुस्तजू से। Oh,
साहब की आखिरी एल्बम सफर का गाना सुनवाता हूं, जिसका म्यूजिक श्री कुलदीप सप्रू जी ने दिया था, जो साल 2017 में रेडियो मर्ज कश्मीर और हारमनी इंडिया से रिलीज हुआ था। आजकल जो स्टेट अवार्ड्स निवार पद्मश्री निवार विष्णु कुहिन गिल में यम जूनियर स्टिमटिश निवार या बीम सीनियर स्टिमटिश निवार भगवान दीन सारे विष्णु गिल काका मगर यम काम साथ पत दीवान यूज डिजर्विंग आसे यम साथ बिचोर मारन ओलाई پت کا چھا سن دور کر مکل سفر کر مکل سفر وہیں تاپ ونن منس موز گئوں بے وائی پکان سنگ لاکھوتو نو سور گمو چھن بج آکھن چھن خار داما بچے چھاو شور کن چھائی حلی سمیت نیری وشور تھک بونی میں کن چھن درات گچان چھم پتا ون کس وت یم کوتا کال پیوں رم آر میں ہجر پار کروں کہ چھم پتا چمن پتا کت مرگ وتس پٹھ زاگ بھی چھوں مرگ ونل پراران ہتس کے چمن پتا کت بال تھنگیس پہ دوہلو سیوں کت شاسورم کے چمن پتا بٹ پک کس انزان میں آخر شان پھروں وڈ رام کت و رانس مز یا ظالم کت شم شانس مز بلبل تل وف اسمان کن یت پنجر شریرس کیا گدرم کم کرلس ہما میون بدن یا وس خانن ما سور گچم پت سور گچم یا خاک بنیوں آخر چھن خاکس سترلن پوز میون سفر ما ڈولی اتی تاروز قیامت سل کروں چھم چھکرت یت بت راز پیٹ کم روپ میں ونی بدلاون چھم پرت سات نویس انہار
دِلَس منٛز بٕے اوسُس ییٚتہِ روزُن چھُ مےٚ گِردابَن منٛز پھیرُن چھُ بٕے زُ زٲژَن منٛز پرٛاو زَنُم بٕے آبہٕ جویَن منٛز روز گرٛزان بٕے روٗد جویَن منٛز روز گٮ۪وان بٕے شیٖنہٕ کھَہَن منٛز روز زُوان بٕے ہَردٕ پَنَن منٛز روز ہَران بٕے پوشہٕ تھَرٮ۪ن منٛز روز پھۄلان بٕے گُلزارَن منٛز مُشک ژھٹان میٛٲنۍ فصل کُلٮ۪ن منٛز روزُن چھُ میٛٲنۍ زِندٕ زُوَن منٛز پھیرُن چھُ مےٚ سِری تَژَر چھُ للنا شبنم قطرن لول بھرُن چھنہٕ پتہ کر مۄکلہِ سفر کر مۄکلہِ سفر خشموتُے نی میٛٲنِس وجوٗدَس خاک وٹی نی میٛٲنِس شریٖرَس سوٗر ڈُویت آکاش فنا کِس شِنیا مۄکلن پاے بنو کر مۄکلہِ سفر کر مۄکلہِ سفر کر مۄکلہِ سفر کر مۄکلہِ سفر مۄکلہِ سفر मल्ला साहब ना सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड वोकलिस्ट थे बल्कि उन्होंने कश्मीरी मौसीकी को और गज़ल गायकी को जिस उरूज पे पहुंचाया उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। विजय मल्ला भले ही हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन उनकी जादू भरी आवाज हमेशा मौसीकी के परस्तारों के दिलों को धड़काती रहेगी। दर्द नहीं दर्द मेरा साया है हंसने की चाह ने इतना मुझे रुला है।